हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा है? परीक्षा, यह पौराणिक कथा थोड़ी रह गई थी, वह और उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने के लिए मैंने कहे थे। आई गेस आपने वह लिखे ही होंगे। उसके आगे भाषा की दुनिया यानी ग्रामर में क्या है, यह आज हम देखने वाले हैं। भाषा की दुनिया में देखो क्या है, शब्द समूह, विशेषण शब्द और विशेषण विशेष किसे कहते हैं, आज हम देखने वाले हैं। अब देखो शब्द समूह किसे कहते हैं, हम देखते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। देखो कौन सा है, विद्यार्थी कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि क्या, अनेक शब्द के लिए जो शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द समूह। उस शब्द समूह को यूज करने वाले शब्द देखो अब क्या है। अब आप दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छाट कर लिखिए। कोष्टक में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वह दिया है। देखो राजा का बेटा क्या कहलाता है, राजा का बेटा किसे कहते, देखो राजकुमार। राजा का बेटा मतलब कौन है, राजकुमार। आपको यह भी समझ में आया होगा कि फुल सेंटेंस लिखना और सिर्फ एक वर्ड लिखना कितना डिफरेंट है। ये इजी है लेकिन यह आपको ठीक से ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ा पुत्र यानी कि कैसा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। देखो यहाँ पे ज्येष्ठ वर्ड है। अब देखो आगे, शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा देने वाला शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक शब्द है। आपको इस कोष्टक में से ही शब्द छाटकर यहाँ पे लिखने हैं। क्रोध करने वाला क्रोधी, क्रोधी शब्द यहाँ पे है, देखो क्रोधी। इसके आगे लास्ट वन क्या है, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला यानी कि सत्यवादी। यह आपको ठीक से ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो यह आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखना है। अब इसके आगे क्या है देखते हैं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं, देखो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। और उस संज्ञा के बदले जो शब्द यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो देखो अब विशेषण शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या, काले जूते, जूते यह है क्या है, संज्ञा वर्ड है, नाम है। लेकिन कैसे जूते हैं, सफेद है, लाल है, काले है, यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है, काले, यह विशेषण शब्द है, यहाँ काले शब्द विशेषण है। अब देखो पाठ के आधार पर दिए गए विशेषण शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। देखो यहाँ पे कोष्टक में क्या दिए है, विशेषण शब्द दिए है, पाठ के आधार पर ही आपको लिखना है। देखो डैश डैश काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, कौन से काल में, प्राचीन, बहुत सारे वर्षों के पहले, यानी कि क्या, प्राचीन। यह यहाँ पे क्या हो गया बताओ मुझे, विशेषण शब्द हो गया। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। इसके आगे धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे, उन्हें कौरव कहा जाता था, धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, यहाँ पे आपको 100 लिखना है। क्या लिखना है, 100 पुत्र थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, क्या था, दुर्योधन था क्या, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, दुर्योधन था, यहाँ पे बड़े शब्द लिखा है। देखो मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द पूरा आएगा। अब देखो डैश डैश दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया,
दूसरे दिन, दूसरे दिन। यह देखो इस क्या है कि विशेषण शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। जहां भी संज्ञा शब्द हो उससे पहले क्या आएगा, उसका विशेषण शब्द आएगा। अब देखो इसके आगे क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि क्या, बलवान हाथी, यानी कि यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया, हाथी। होशियार बच्चे, होशियार यह क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन बच्चे यह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। समझ में आ रहा है। सुंदर या खूबसूरत लड़की, लड़की यह क्या आ गया, विशेष्य शब्द आ गया, और खूबसूरत यह क्या हो गया, उसका विशेषण शब्द। यानी कि देखो बलवान हाथी में हाथी यह शब्द क्या है, विशेष्य है। और एक बार देखो विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ही मैं आपको दिखाती हूँ। देखो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, 100 यह क्या हो गया, विशेषण शब्द, लेकिन पुत्र यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। पुत्र कितने थे, 100 थे। अब देखो और एक बार, अब क्या है कि लीला का हैंडराइटिंग खूबसूरत है, हैंडराइटिंग के बारे में बताया हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे हस्ताक्षर यह शब्द कैसे आ गया, विशेष्य आ गया। अब देखो पाठ के आधार पर विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान कीजिए। देखो विशेषण यहाँ पे दिए हुए और यहाँ पे विशेष्य है, यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। देखो पांच, पांच क्या थे, पांच पुत्र थे, आधा पाठ, तीसरा दिन, असली अर्थ और युवा युधिष्ठिर, यानी कि ये विशेष शब्द है सब, और इसका विशेषण इन शब्दों में। पुत्र कितने हैं, पांच हैं, पाठ आधा पाठ था, असली अर्थ यानी कि अर्थ यह क्या हो गया, विशेष शब्द हो गया। अब देखो यहां तक हमारा सेमिस्टर फर्स्ट, जो दिवाली की पहली हमारी एग्जाम है उसके लिए लेसन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 1 से 7 तक हमने देखे हैं, यानी कि पेज नंबर 50 तक। पेज नंबर 50 तक आपका सेमिस्टर के लिए क्या है, सिलेबस है। कहाँ से है देखो, पेज नंबर ये देखो, पेज नंबर है 9 पेज नंबर से पेज नंबर 50 तक आपका सिलेबस है। आपको आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट लग, आपको क्या करना है, सभी लेसन ठीक तरह से रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर मन ही मन में पठन करने हैं। आ गया ध्यान में, धन्यवाद।